टॉपिक इज़ इज़ एंड एड्स। तो आज का बेसिकली टॉपिक है एड्स पर तो ये जो एड्स है इट इज सिंपली डिजीज एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है ये, एंड इट इज़ नॉन क्योरेबल डिजीज जो एड्स है ये बेसिकली हो जाती है बाय वायरस नोन एज एच आई वी वायरस तो ये हो जाती है एच आई वी वायरस अब ये एच आई वी वायरस जो है ये है क्या चीज़ तो पहले एच आई वी वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे तो एच आई वी वायरस जो है इसको हम कहते हैं ह्यूमन अमीनो वायरस ह्यूमन अमीनो वायरस ये ह्यूमन अमीनो वायरस है और ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन्स को और उनके इम्यून सिस्टम को ये इफेक्ट करता है जिससे ह्यूमस की जो ह्यूमन्स uh, का जो इम्यून सिस्टम होता है डिफेंसिव सिस्टम होता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है ठीक है तो ये तो है ह्यूमन अमीनो वायरस इसकी फुल फॉर्म है ये और ये जो एच वायरस है इट इज बेसिकली ये क्या है ये एक रेट्रो वायरस है। अब सवाल उठता है कि ये रेट्रो वायरसेस क्या होते हैं वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल होता है और इनमें क्या होते हैं इन में होते हैं कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस एंजाइम होता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस एंजाइम की मदद से क्या करते हैं ये करते हैं आरएनए से डीएनए फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स फॉर्म डीएनए बनाते हैं फ्रॉम आरएनए।

किस में मदद देता है ये जब आर एन ए डी एन ए बनाते हैं रेट्रो वायरसेस उसके बाद ये डीएनए को इनकोपरेट करते हैं होस्ट सेल्स में डीएनए की रिप्लीकेशन के लिए ये अपने डीएनए को वायरल डीएनए को किस में किस में इंटीग्रेट करते हैं होस्ट सेल के डीएनए में इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज फॉर एग्जाम्पल अगर ये होस्ट सेल का डीएनए है ये होस्ट सेल का डीएनए है <laughs> तो होस्ट सेल का डीएनए ये है तो अब ये वायरल डीएनए फॉर एग्जाम्पल यहां पर है तो वायरल डीएनए इनकॉपरेट हो जाएगा किस में होस्ट सेल के डीएनए में तो यहां मैं इसको वायरल डीएनए कलर दिखाता हूं ये वायरल डीएनए तो किस में इनकॉपरेट हो गया ये ये हो गया ये हो गया होस्ट सेल के डीएनए में इनकॉपरेट हेल्प ऑफ एनजाइल इंटीग्रेस उसके बाद एक नॉर्मली एक जो होस्ट सेल है वो नॉर्मली क्या करती है रिप्लीकेशन करती है और रिप्लीकेशन के दौरान रिप्लीकेशन मीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इंक्रीज हो जाती है तो डीएनएसल अपने डीएनए को इंक्रीज तो करती ही करती है लेकिन उसके साथ साथ इसके डीएनए में प्रेजेंट होता है वायरल डीएनए तो जिससे वायरल डीएनए भी क्या हो जाता है रिप्लीकेट हो जाता है ठीक okay? है तो और वायरल डीएनए की कॉपीज ज्यादा बढ़ जाती है दैट मीन वायरऑन ज्यादा ज्यादा क्रिएट होने लगते हैं तो ये तो थे एंजाइम्स जो इसमें रेट्रो वायरस में प्रेजेंट होते हैं और वायरसेस में एक और चीज है कि ये जो एच वायरस है ये रिट्रो वायरस के किस क्लास में आता है ये रिट्रो वायरस के लेंट लेंट वायरसेस में आता है तो लेंट वायरसेस जो है लेंट वायरसेस एक क्लास है रिट्रो वायरसेस का और ये लेंट वायरसेस को हम स्लो वायरसेस भी कहते हैं स्लो वायरसेस क्योंकि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बहुत ही लंबा होता है एट लीस्ट टेन ईयर्स तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड एट लीस्ट टेन ईयर्स होता है दस सालों के बाद ये इनक्यूबेट हो जाते हैं दैट मीनस हैचअप हो जाते हैं उसके बाद ये डिजीज सिमटम्स क्रिएट करने लगते हैं सिमटम्स आ जाते हैं उसके बाद तब तक एक इंसान असिमटमिक रह जाता है तो ये तो था कि एच आई वी वायरस है ये रेट्रो वायरस है और ये किस में आता है लेंट वायरस में आता है अब हम आगे बढ़ते हैं एच आई वी वायरस के बारे में तो एच आई वी वायरस जो है अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिर हम आगे चलते हैं तो अगर एच आई वी वायरस के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो एच आई वी वायरस जो है तो ये तो वायरस है बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है अदर रेट्रोवाइरसेस से तो इसका स्ट्रक्चर होता है लिटिल बिट स्फेरिकल तो इसका स्ट्रक्चर क्या है स्फेरिकल है और इस फैरकल स्ट्रक्चर में एक कॉनिकल कैप्सिड होती है ये कॉनिकल कैप्सिड है मैं इसको लिखूंगा यहां पर कॉनिकल कैप्सिड एक कावरिंग होती है कैप्सिड हम इसको कहते हैं और बाहर से एक और कावरिंग होती है जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन एनवलप कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन एनवलप तो बाहर से ग्लाइकोसाइलेशन एनवलप होता है अब ग्लाइकोसाइलेशन एनवलप वो वाला एनवलप होता है जो जो बना होता है प्रोटीन प्लस उन प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं उन्हीं उसी को हम क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन तो जब आपने पढ़ा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोसाइलेशन होती है एन एसिटाइल ग्लाइकोसाइलेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब प्रोटीन्स बनते हैं नए नए मैच्योर प्रोटीन्स बनते हैं उनके साथ फिर उनको क्या हो जाती है उनको फिर ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं तो उसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं तो ये एक ग्लाइकोसाइलेशन इसमें होता है और फॉर एग्जाम्पल यहां मैं दिखाऊंगा इसमें इस अब मैं एक साइड से दिखाऊंगा क्योंकि ये तो फिर थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा चलो अब बनाते हैं आप देखो यहां पर यहाँ पर है ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें ये इसकी बेस है यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूंगा बेस में बना दूंगा और यहां से मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो यहां पर होते हैं ये ग्लाइकोसाइलेशन जो स्पाइक्स होती हैं, यहां पर जी होता है ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन 120 हम इसको कहते हैं और इसकी जो बेस होती है वो बेस होती है जीपी जी फोर्टी वन की ग्लाइको प्रोटीन फोर्टी वन तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ऐसे है ये ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है एट दिस ग्लाइकोसाइलेटेड ये ऐसा स्ट्रक्चर है और ये जो है ये वाला हिस्सा तो ये आ जाता है जीपी वन ट्वेंटी और ये वाला हिस्सा इसकी बेस आती है जी पी फोर्टी वन ठीक तो यहां तक हो गया ये अब अंदर इसके होती है कॉनिकल कैप्सिड अब जो ये कैप्सिड होती है ये भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ही होती है और इसके अंदर होते हैं दो सिंगल स्ट्रैंडेड आर सिंगल स्टैंड दो कॉपीज होती है सिंगल स्टैंड आर की दो कॉपीज होती है तो ये है टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंड सिंगल स्ट्रांडेड एस एस आर एन ए लिखूंगा दो कॉपीज होती है इसमें और ये जो सिंगल स्टैंड आर होते हैं इन सिंगल स्टैंड आर में नाइन जीन्स होते हैं इनमें नौ जीन्स होते हैं जो वायरल जीन्स होते हैं वायरल नाइन वायरल जीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वायरस के नाइन जीन्स इन आरएनए स्ट्रैंड में प्रेजेंट होते हैं और ये जो कैप्सिड है कॉनिकल कैप्सिड जो है ये कैप्सिड में क्या होता है कैप्सिड में होते हैं टू थाउजेंड कॉपीज़ किनकी दो दो, दो हजार कॉपियां किनकी ग्लाइकोप्रोटीन्स की या एक प्रो, वायरल प्रोटीन की जिसका नाम है ना� एक वायरल प्रोटीन है जिसका नाम है पी ट्वेंटी फोर उसकी टू थाउजेंड किसमें प्रेजेंट होती है इन दिस कैप्सिट ये वायरल प्रोटीन प्रोटीन है वायरल तो वायरल की दो हजार कॉपियां किसमें होती है दिस दिस क्रॉनिकल कैप्सिड में और यहां पर कैप्सिड के बाहर क्या होते हैं कैप्सिड के बाहर एंजाइम्स होते हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है और जिसमें इंटीग्रेस है और यहां पर फॉर एग्जाम्पल प्रोटीसिस होते हैं तो ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके इस वायरस में और अब देखो ये बेसिकली जो ये वायरस है अब ये एक होस्ट सेल दैट मीनस ये होस्ट सेल को क्या करते हैं ये होस्ट सेल पर अटैक करते हैं जब ये इनसाइड द ह्यूमन्स पहुंचते हैं तो इनका टारगेट इनकी जो टारगेट सेल होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होती है तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल कौन होती है ये बेसिकली ये बेसिकली टारगेट किसको करते हैं एच आई वी वायरस इनकी टारगेट जो होती है वो होती है इम्यून सेल्स ये इम्यून सेल्स को टारगेट करते हैं अब इम्यून सेल्स में कौन इनका टारगेट होता है पर्टिकुलर टारगेट वो होते हैं टी हेल्पर सेल्स टी हेल्पर सेल्स और माइक्रोफीड्स मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स तो ये दो इम्यून सेल्स है जो टारगेट बन जाती है एच आई वी वायरस की लेकिन बेसिकली सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका हो जाता है इस पर सबसे ज्यादा टारगेट टी हेल्पर सेल्स हो जाती है तो टी हेल्पर सेल्स जो है इनको इनके बारे में थोड़ा सा कहूं मैं टी हेल्पर सेल्स बेसिकली क्या करते हैं ये एक्टिवेशन करती है इनका रोल क्या है इम्यून सिस्टम में तो ये एक्टिवेशन करती है बी सेल्स को बी सेल एक्टिवेशन में ये मदद करती है और जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है तो तब ही क्या हो जाता है तभी एंटीबॉडीज रिलीज होती है तो ये एंटीबॉडी रिलीजिंग सेल्स को एक्टिवेट करती है तो एक फंक्शन हो गई और ये सिग्नलिंग भी करती है दैट मीन ये साइटोकिन ये साइटोकिन क्या करती है साइटोकिन डालती है जिससे जैसे ये जो है बाकी सेल्स उनमें भी सिग्नलिंग ये सिग्नलिंग आ जाती है कि ये फॉर एग्जाम्पल वायरस घुसा है या कुछ घुसा है means, टी, जब टी, जब बी सेल्स एक्टिवेट ही नहीं हो जाएंगी तो एंटीबॉडीज निकलेंगी ही नहीं जब एंटीबॉडीज निकलेंगी ही नहीं दैट मीनस जो डिफेंसिव सिस्टम है जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अब किलिंग ऑफ पैथोजिन कर ही नहीं पाएगा किलिंग ऑफ वायरसिस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बी सेल्स एंटीबॉडीज रिलीज नहीं कर रही है तो जब एंटीबॉडीज नहीं रिलीज होंगी तो उसी से क्या बन जाता है इम्यूनो इम्यूनोडिफिशंसी इम्यूनो डिफिशंसी आ जाती है डिफिशंसी इन द इम्यून सिस्टम क्योंकि बी सेल्स एक्टिवेट नहीं हो रही है दैट मीनस इससे जो टी हेल्पर सेल की किलिंग जो हो रही है बाय द एच आई वी वायरस उससे क्या हो जाता है उससे जो सेल उससे जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी खत्म हो जाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या मैं कहूंगा एडेप्टिव इम्यूनिटी एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाती है खत्म हो जाती है ठीक तो <coughs> तो ये तो टारगेट ऑफ एच आई वी वायरस के कौन टारगेट होते हैं और स्ट्रक्चर भी हमने इसका कहा तो ये एंट्री जब करता है अब इसकी एंट्री का जो सवाल है एंट्री जब ये एच आई वी वायरस करते हैं इनसाइड द होस्ट तो ये टारगेट किसको करते हैं ये टारगेट करते हैं टी हेल्पर सेल्स को ये टी हेल्पर सेल है अब टी हेल्पर सेल्स की एक सबसे बड़ी खूबी है कि इनमें एक रिसेप्टर होता है सी डी फोर रिसेप्टर सी डी फोर रिसेप्टर इनमें होता है टी हेल्पर सेल्स में आपको याद रखना है कि टी हेल्पर सेल्स के ऊपर कौन होता है सी डी फोर रिसेप्टर तो सी डी फोर रिसेप्टर के साथ इनके जो ग्लाइकोसाइलेशन जो मैंने कहा थे वो ग्लाइकोसाइलेशन स्ट्रक्चर जो एनवलपर होते हैं वो ग्लाइकोसाइलेटेड मीन एनवलप जीपी वन ट्वेंटी और जीपी फोर्टी पी फोर्टी वन ये किसके साथ इंट्रैक्ट करते हैं ये इंट्रैक्ट करते हैं विद था, विद द द विदी फोर और ये न्यूक्लियो कैप्सिड जो इनके अंदर होता है इस का ये अपना न्यूक्लियो कैप्सिड किसके अंदर इंसर्ट करता है दी सेल्स के इंसर्ट करता है उसके बाद रिप्लीकेशन हो जाती है तो इस हिसाब से फिर उसके बाद ये क्लिंग करते हैं इन टी हेल्पर सेल्स की जब टी हेल्पर सेल्स खत्म होने लगी तो इनका इनकी जो लेवल होती है ब्लड में वो डिक्रीज होने लगती है लेवल ऑफ हेल्पर सेल्स डिक्रीज इन ब्लड तो ब्लड में जब डिक्रीज होने लगी यहाँ बॉडी में जब लेवल ऑफ टी हेल्पर सेल्स डिक्रीज होने लगी तो जब लेवल पहुंच जाती है कहाँ तक जब 200 हंड्रेड टी हेल्पर सेल्स प्रेजेंट होंगी किसमें पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड में आकर टू हंड्रेड टू हंड्रेड टी हेल्पर सेल्स अब लेवल आ गई तो वहां पर ये हो जाता है बन जाता है एड्स तो उसको हम फिर एड्स कहते हैं ठीक है ठीके? वो शक्ल लेता है फिर एड्स की अब ये तो हो गया अब एड्स जो है या एच मैंने बोला कि ये एड्स क्रिएट करता है अब इसमें क्या है अब ट्रीटमेंट अगर मैं बोलू अगर पहले मैं बोलूं कि ये फैलता कैसे स्प्रेड कैसे होता है तो स्प्रेड होता है बाय सेक्चुअल कंटैक्ट, सेक्चुअल कंटैक्ट। अब सेक्चुअल कंटैक्ट जो है सेक्चुअल कंटेक्ट में क्या होता है बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये हो जाता है ठीक और बाय फ्लूड ट्रांसफ्यूजन तो फ्लूड ट्रांसफ्यूजन से ये होता है बाई फ्ल्यूड्स होता है फॉर एग्जाम्पल ब्लड हम ट्रांसफर करते हैं ठीक है ब्लड ट्रांसफर जब हम करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है उससे भी एचआईवी हो जाता है और ये ये होता है बाय कंटेमनेटेड नीडल्स कैन टैमेटेड नीडलनेटेड नीडल करते हैं किसी पर्सन ने की होगी एक नीडल यूज फिर दूसरा पर्सन करेगा ऐसा होता है और प्रेगनेंसीज अफ ए फीमेल इज प्रेगनेंट अगर एक फीमेल प्रेगनेंट है तो उसको क्या हो जाता है जो उसका बच्चा हो जाता है जो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में मसला क्या हो जाता है प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो उनके बेबीज होती हैं तो जब वो उनको ब्रेस्ट फीड करती है मिल्क फीड करती है तो उससे भी ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्या हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है एड्स ठीक है टू द बेबीज या जूरिंग द डिलीवरी मैंने प्रेगनेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी तो उस टाइम क्या हो जाता है उस टाइम ब्लड कनेक्शन आ जाते हैं बिटवीन द मैटरनल एंड दैट जो फोटोस है उसके दरमियान जो कनेक्शन हो जाते हैं ब्लड के ब्लड मिक्सअप हो जाता है वहाँ पर भी ट्रांसफर हो सकता है एड्स का और ब्रेस्ट मिल्क से तो होता ही इफ़ है फीमेल अगर फीमेल क्या है पॉजिटिव है एच पॉजिटिव है इफ़ द फीमेल इज है एड्स तो तब वो थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क ट्रांसफर हो जाएगा इन द बेबीज तो ये तो है स्प्रेड अब प्रिवेंशन इसका है प्रिवेंशन सिंपली है टू अवॉइड अवॉइड द अनप्रोटेक्टेड सेक्स यूज ऑफ कंडम एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो उस टाइम चेक करना पड़ता है ब्लड इज ओके आर नॉट तो वो तो इसके ट्रीटमेंट्स प्रिवेंशनस हो गए अब ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ तो ट्रीटमेंट में इसके आता है एआरटीस ट्रीटमेंट में इसके एआरटीस आता है एआरटीस क्या है एआरटी सिंपली है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज इनको हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज जो है ये बेसिकली क्या है ये कॉम्बिनेशन है ड्रग्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ये कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट ड्रग्स तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स हम करते हैं और एच आई वी पेशेंट्स को तो हम देते हैं तो उनका जो लाइफ साइकिल है वो एनहेंस हो जाता है वो इंक्रीज होता है वरना नॉर्मली वो टेन टू अलेवन ईयर्स ही सर्वाइव कर पाएंगे बाय बट बाय टेकिंग द एआरटीज क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर एड्स वाले पेशेंट्स नहीं है वहां पर एच आई वी पेशेंट्स है उनमें एच आई वी हुआ है बट दैट हेज़ नॉट लेट टू द एडस क्योंकि वो क्या करते हैं वो ट्रीटमेंट ए आर टीज लेते हैं जिससे वो हेल्थी लाइफ भी गुजार सकते हैं और जो उनका लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हाँ नॉर्मली इंक्रीज होता है वरना अगर एच आई वी को अनट्रीटेड रखा जाए तो दैट मीन्स टेन टू अलेवन ईयर्स तक ही सर्वाइव कर पाएगा इंसान ठीक ये तो इसका ट्रीटमेंट है क्योर तो इसका कुछ नहीं है इट इज ए नॉन क्योरेबल डिजीज तो ये तो था अब है देखो सिम्टम्स सिम्टम्स मैंने कहा था कि सिम्टम्स जो एड्स के होते हैं या एच आई कोई पॉजिटिव हो गए उसके बाद ही एड्स हो जाएगा उसको तो सिम्टम्स इसमें होते हैं कि इसमें एक मेन सिम्टम होता है वेट लॉस वेट लॉस हो जाता है इसमें और इसमें हेड होते हैं ये पहले पहले भी होता है जब किसी में एच आई वी पॉजिटिव हो गया तो उसमें नॉर्मली हेड आ जाते हैं और उसमें वोमेटिंग हो जाती है और उसमें टायर्डनेस आ जाती है टायर्डनेस आ जाती है उसमें और उसमें रैशेस पड़ते हैं रैशेस ऑन जनटर्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पर रैशेस आ जाते हैं और बैक में और बैक साइड जो बैक है बैक में भी रैशेस आ जाते हैं तो रैशेस आ ही जाते हैं और फिर देखो और इन सिंपल इलनेसेस लाइक इन्फ्लुएंजा हो जाता है और ये फिर जो इन्फ्लुएंजा है ये लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें ट्यूबर क्लोसिस में कैंसर्स में मतलब जो लेटर ऑन स्टेज होते हैं फिर जब ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू एडस प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर ये चीज़ें रही तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एड्स में और उसमें कैंसर्स होते हैं रेक्टल कैंसर होता है और उसमें लंग कैंसर हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो सिम्टम्स में भी बहुत सारी हैं सिम्टम्स में एक और सिम्टम है कि गैस्ट्रो इंटेस्टैनल इसमें अल्सरेशन हो जाती है गैस्ट्रो इंटेस्टैनल अल्सरेशन भी हो जाती है तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं तो दिस वाज ऑल अबाउट द एच ठीक है ये सारा कुछ एच और एड्स के बारे में था ओके